नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा YouTube चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दर्जी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, दर्जी कौन कहलाती है। तो देखते हैं दर्जी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि आप देखना चाहते हैं दर्जी को किस किस नाम से संबोधित किया जाता है, दर्जी जाति के उपनाम, तो उस पर हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। तो देखें दर्जी शब्द की जो उत्पत्ति है वह है, कहा जाता है कि दर्जी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के दार्जन दार जान शब्द से मानी जाती है। दर्जी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के दारजान शब्द से मानी जाती है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सिलाई करना। दर्जी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के दारजान शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सिलाई करना, अर्थात सिलाई का काम करने वाले लोगों की जाति दर्जी कहलाती है। वह जाति जिनका मुख्य पेशा प्रारंभ से ही सिलाई का काम रहा है, जो प्रारंभ से ही जिस जाति के लोग सिलाई का काम करते रहे हैं वह दर्जी कहलाती है। क्योंकि हमारे प्रारंभ में जो जब संसार की उत्पत्ति हुई थी, यदि इतिहास के पन्नों को पलटाते हैं तो प्रारंभ में जाति प्रथा नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। जाति प्रारंभिक युग में, क्योंकि माना जाता है कि संसार एक ही पुरुष और एक ही स्त्री की उत्पत्ति है, फिर इसके बाद जैसे संसार की उत्पत्ति हुई तो जिस व्यक्ति के पूर्वजों को जो कार्य दिया गया उस कर्म के आधार पर उस पूर्वज के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति उस जाति के लोग कहलाए। तो इस जाति के पूर्वजों को का जो कार्य था वह सिलाई का काम करना था। तो सिलाई का काम करने वाले लोगों की जाति दर्जी कहलाती है। तो पुनः सुन लीजिए, दर्जी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के दारजान शब्द से हुई है, जिसका सामान्य हिंदी अर्थ होता है सिलाई करना। दर्जी शब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है? सिलाई करना। दर्जी कौन कहलाते हैं? सिलाई का काम करने वाले लोगों की जाति को दर्जी कहती है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत में आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यह जो मैंने जानकारी दी है इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी की प्रामाणिकता का मैं किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं करता हूं। यदि किसी को यह जानकारी त्रुटिपूर्ण लगती है तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने जो जानकारी दी है आप चाहे तो सर्च इंजन पर सर्च करके भी देख सकते हैं, जो जानकारी मैंने दी है वही आपको प्राप्त होगी। क्योंकि मैंने इस वीडियो को तैयार करने में वास्तविकता या प्रामाणिकता का संपूर्ण ध्यान रखा है। नमस्कार मित्रों, जय संत नामदेव जी, जय श्री राम।